ता जा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आप बी डी ओ के पोस्ट पे yes, आप हैं आपने ईमेल एड्रेस दिया है बी डी ओ रतनगढ़ रतनगढ़ तो so, ये बी डी ओ से मुझे सत्ता की बू आती है आप सबों को बताना चाहते हैं कि मैं वीडियो उससे डरो नहीं नहीं सर मेरे पास अथॉरिटी है मुझसे डरो नहीं सर ऐसा नहीं है क्या मनसा है इसके पीछे वीडियो लिखने के पीछे सर ऑफिस में काम करते वक्त फॉर्म भर रही थी तो आ, उस टाइम ये और तो भी कुछ आपको ख्याल आ सकते थे अपने विषय में वीडियो ही क्यों ख्याल आया सर तो वो मेल आई उस टाइम काम कर रहे थे वो मेल काम करते करते मेल आई डी पर आपने सोचा नहीं इस पर आ, ये।, ये कहा जाता है एक लड़की पढ़ती है तो सात जनरेशन पढ़ लेता है और एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है सर। आप वीडियो के पद पर रह चुकी हैं इस कथन से आप सहमत हैं तो इस वीडियो के पद पर रहते हुए आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किया मैं इस पद पर हूँ वीडियो के पद पर मैं केवल महिलाओं के लिए ही नहीं हूँ मैं पूरे ब्लॉक के लिए हूँ जिसमें महिला पुरुष सभी हैं फिर भी मैंने महिलाओं के लिए जैसे मैं ग्राम सभाओं में जाती हूँ मैं को, कोशिश करती हूँ जितनी ग्राम सभाओं का मैं हिस्सा बन सकूँ वहाँ मैं जाऊँ वहाँ मैं महिलाओं से खुद बात करने की कोशिश करती हूँ उनकी परेशानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के दौरान मैंने महिलाओं से खुद जा बात की महिलाएं फिफ्टी परसेंट जो हमारी जनरेशन है उनसे बात करने के बाद में उनकी प्रॉब्लम सुनना फिर उनके साथ में गाँव में जाना और उनको स्वच्छ भारत मिशन की जो बेसिक जो है कि ये केवल एक टॉयलेट बनाने वाली योजना नहीं है इसको मानवीय गरिमा और स्त्रियों की गरिमा के साथ में जोड़ा इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए फोलिक एसिड ये जो स्कीम हैं से, आंगनबाड़ी सेंटर्स पे सबला योजना है इस तरह की स्कीम से मैंने ये देखा कि इनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो और आ, मैं आ, मेरी मिलने वाली महिलाओं से जिनसे भी मैं मिलती हूँ तो उनकी सारी परेशानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ जैसे कोई पेंशन के लिए अगर कोई वृद्धा वृद्ध महिला आती है तो उनकी मैं सुनती हूँ उनकी पूरी हेल्प करती हूँ राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो मेल डोमिनेटेड आप तो काम कर चुकी हैं yes, आपकी क्या अनुभूति हुई है अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो सर हम पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते इस चीज़ से क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हालांकि जनप्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं को ग्रास रूट पर आरक्षण दिया गया है फिर भी कभी अभी भी पूरी तरह से महिलाएं सजग नहीं है उनको उनके पूरे अधिकारों का उनको पता नहीं है लेकिन फिर भी हम ये देखें तो सिचुएशन सर सुधर रही है काफी ऐसी महिलाएं हैं काफी ऐसे सरपंच हैं, प्रधान हैं, जो खुद अपनी पंचायतों में उनमें कई काम कर रही हैं अच्छे जैसे छवि राजावत है सोडा गाँव की और अभी कुछ दिन पहले शबाना मैम जो है वो सरपंच के रूप में चुनी गई है काफी एम बी हैं वो काफी अच्छे काम कर रही है तो धीरे धीरे सर जागरूकता आ रही है भामाशाह स्कीम हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था उसके बारे में क्या जानती है भामाशाह स्कीम सर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है जिसके अंतर्गत आधार नामांकन के साथ महिलाओं और स्पेशली महिलाओं का बाकी परिवार एक फैमिली बेस्ड कार्ड बनेगा परिवार का एक कार्ड बनेगा जिसमें सारी जो स्कीम्स हैं ये मल्टी आइडेंटिटी कार्ड के साथ में ये मल्टीपर्पज कार्ड होगा जैसे जैसे इसमें सारी स्कीम्स खाद्य सुरक्षा है इसके अलावा पेंशन uh, है नरेगा है और भी काफी कई स्कीम्स हैं वो इसके साथ में जुड़ेंगी वो इसका मर, मिंगल हो जाएंगी तो एक अलग हर स्कीम के लिए अलग अलग कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही कार्ड से सारी स्कीम्स का काम इसमें चल सकता है तो इस स्कीम के द्वारा विमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है हम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है और अलग अलग कार्डों की जरूरत नहीं है ग्रामीण आदमी को खूब सारे कार्ड नहीं एक कार्ड से उसका काम चल जाता है तो मल्टीपर्पज कार्ड है आपको जो फंड्स मिलता है एम्पावरमेंट के एरिया में उसका सदुपयोग हो पा रहा है आपके यहाँ सर सदुपयोग का उपयोग अगर उसको उपयोगितावाद के हिसाब से हम देखें तो पंचायतों में काफ़ी काम हो रहे हैं असेट जनरेशन हो रहा है अगर उनका देखा जाए तो रोजगार निर्माण हो रहा है और पावर्टी रिडक्शन भी हो रहा है तो जो पैसा मिल रहा है उसका मोस्टली सदुपयोग हो रहा है But कुछ एक दो इंसिडेंट्स के कारण हम ये नहीं मान सकते कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है बट सीएनए की रिपोर्ट आई है राजस्थान पर सोलह सत्रह पे जो ये कहती है कि साहब आप फंड तो आप यूटिलाइज ही नहीं करते हैं आपको जानकारी है सीएनए रिपोर्ट की सर सी रिपोर्ट तो मैं देखूंगी लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी काम सर पैसा उपयोग हो रहा है कुछ नहीं करते हैं लेकिन हम कुछ इंसिडेंट्स के कारण ये नहीं कह सकते कि पैसा सदुपयोग नहीं हो रहा है काफी काम हो रहा है सर पंचायत कांता yes. कितने वर्ष से है आप वहाँ पे वीडियो छह साल से साल से से है तो आपने कौन से अच्छे काम किए हैं ये मुझे बताइए अपने ब्लॉक के विकास के लिए कौन से अच्छे काम किए सर मेरे ब्लॉक के विकास के लिए मैंने जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उनके प्रभावी मॉनिटरिंग की है ठीक ना इसके अलावा कम्यूनल वायलेंस जब हुई थी उसमें मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसमें काम भी किया था एस बी एम में हम लोग सुबह पहले निकलना पाँच बजे निकलते थे और हमने उसमें काफ़ी महिलाओं का साथ लिया बच्चों का साथ लिया स्कूल स्कूल जाके हमने काम किया था वहाँ पर तो एस बी एम में हमने काम किया है इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स चल रही है उनकी फील्ड विजिट करना और उनका देखना कि लोगों को समय पर उसकी किस्त मिल रही है या नहीं मिल रही है ये सारे काम देखना अच्छा ये बताइए आप तो चूरू एरिया में हैं पंचायत समिति तो पंचायत में महिलाओं की भागीदारी कितनी है सर सर्थ सैद्धांतिक रूप से देखें तो पंचायती राज में महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व के आधार पर देखा जाए फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट लेकिन व्यवहार में इस ये अभी पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाया लेकिन इसमें ये होते हुए भी सर आरक्षण होते हुए भी मैं ये देखती हूँ ग्राम सभाओं में महिलाओं का अभी इतना पार्टिसिपेशन नहीं है नहीं। महिलाएं या तो आती नहीं है और अगर वो आती भी हैं तो अपनी बात कहती नहीं है इस वजह से सर जो स्कीम्स जो जेंडर बजट बनना चाहिए क्योंकि नहीं। 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 ग्राम सभा में ग्राम सभा का बजट जो है वो ग्राम सभा लेवल पे वो बनता है नहीं। 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 तो उसमें महिलाओं के मुद्दे इतने नहीं आ पाते हैं जैसे अगर महिला एक बात करेगी पुरुष और महिला की सोच की अलग बात है सर क्योंकि अगर महिला अगर अपनी बात करेगी तो पेयजल की बात करेगी वो गंदगी की बात करेगी और वो शिक्षा की बात करेगी इस तरह की बात करेगी लेकिन अगर पुरुष अगर बात करेगा तो सड़कों की बात करेगा तो ये अलग अलग सोच है तो वो ग्राम सभाओं का जो बजट बनता है उसमें महिलाओं के मुद्दे इतने नहीं आ पाते हैं तो ऐसे जगह जहाँ पे महिलाओं के मुद्दे ज्यादा नहीं आ पाते हैं इन जगह पे आपका वीडियो होना कितना सफल रहा है सर एक इंसान एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकता मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं खुद भी जाती हूँ मैं महिलाओं से बात भी करती हूँ और काफी पार्टिसिपेशन बड़ा भी है पंचायत समिति की मीटिंग्स में भी मैं ये श्योर करती हूँ कि महिलाएं खुद आए महिला जनप्रतिनिधि खुद आए और वो अपनी बात कहें ग्राम सभाओं में भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं महिलाओं से बात करूं और इसके अलावा भी कई हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जो स्कीम्स जो चलती है जैसे भामाशाह स्कीम है उसमें घर घर हमें जाना था राजस्थान संपर्क में हमें फील्ड विजिट करनी थी तो वहां पे भी महिलाओं से हमने काफी काफी बात की है चैनिका उनियाल पांडा नाम सुना है आपने चैनिका नहीं सर कोई बात नहीं अच्छा मुझे एक चीज और बताइए आप सीकर से भी हाँ। नहीं सीकर और चुरू दोनों में अगर शिक्षा के आधार पे हम देखें तो कौन ज्यादा विकसित है सिर्फ सीकर और चुरू में शिक्षा के आधार पर सीकर ज्यादा विकसित है आपने फिलोसफी पढ़ा हुआ है ना हाँ। दर्शन शास्त्र अगर देकार्थ और ह्यूम इन दो के बारे में हम बात करें तो बताइए दोनों में क्या अंतर है संदेह को एक आधार बनाते हैं संदेह को एक आधार बनाकर वो गणितीय विधि के माध्यम से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं संदेह रहित ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो संदेह उनके लिए एक साधन मात्र है लेकिन हिम के दर्शन में संशयवाद काफी बढ़ जाता है वो हर एक चीज पर संशय करते हैं वो आत्मा पे भी संशय करते हैं मतलब उनके संशयवाद उसमें साधन नहीं साध्य बन जाता है तो ये दोनों में बीच डिफरें अच्छा दोनों को अगर हम दो शाखाओं में विभाजित करें नॉलेज के ज्ञान के दो शाखा में तो किस किस शाखा से दोनों को संबंधित करेंगे सर को हम संबंधित करेंगे बुद्धिवाद से और ह्यूम अनुभववाद से अनुभववाद से करेंगे अच्छा एक चीज और भी बताइए आपने डायलेक्टिकल मेटेल भी सुना होगा हीगल और मार्क्स दोनों में क्या अंतर है मार्क्स भौतिकवाद को आधार बनाता है हिगल आध्यात्म को आधार बनाता है वो आध्यात्म के आधार पर भौतिकवाद की स्थापना करता है लेकिन मार्क्स के अनुसार अध्यात्म या विचार sorry, विचार सॉरी विचार को आइडिया आइडिया को आइडिया हाँ, वो तो एब्सोल्यूट आइडिया क्या है, है चलिए कोई बात नहीं जी कैसा महसूस कर रही है मुझे बताइए कि यदि मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखो तो मुझे सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि एक बी तो 24 घंटे की नौकरी है आप यहाँ तक पहुंचे कैसे बिना बी की नौकरी के साथ बेईमानी की हुई। सर हाँ मेरी जॉब सर्विस ऐसी है 24 फोर इंटू सेवन और परमानेंट है और इसके अलावा परिवार भी है तो मेरे लिए